मुंबई और मुंबई के आसपास इलाकों में रेड अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ मानसून एक दिन पहले ही कोहरा मचाना शुरू कर दिया है। शहर के निचले स्तर में रहने वालों की परेशानियां बढ़ गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच मानसून की ये बारिश बड़ी मुसीबत लेकर आई है। समुद्र में बड़ी उठती लहरें, सड़कों पर ये समुद्र सा नजारा, आसमान से गिरता बारिश मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में बारिश का ये पहला दस्तक है, पर इस बार शायद बारिश को ये नहीं पता कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। लोग पहले से ही लॉकडाउन के चलते घरों में हैं। मानसून की ये पहली दस्तक है और इस दस्तक से ही मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके पानी पानी हो गए हैं। जगह जगह पर पानी का जमावड़ा शुरू हो गया है। कुछ सड़कें नदी में तब्दील होने के लिए मानो तैयार बैठे हैं। कोरोना के इस महामारी में ये बारिश खतरनाक साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दो दिनों तक घरों में रहने की चेतावनी दी है और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश ने अपना रंग दिखाया भी नहीं और दूसरी तरफ बारिश को लेकर तैयारी के सारे वादों का रंग दिखने लगा है। हर साल बारिश की तैयारी को लेकर करोड़ों का टेंडर पास होता है और हाल जस का तस ही रहता है। समस्या जो 15 साल पहले थी वो आज भी है। इन इलाकों में पानी भरता था वहाँ आज भी भरता है। सिस्टम वही रहती है, बस बदलता है तो साल। परो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इस साल में कोरोना महामारी है, इसके साथ में लापरवाही नहीं चलेगी। इस बार का घोटाला बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस बारिश से लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई है और जनजीवन बेहाल होता नजर आ रहा है। आप जितना हो सके घरों पे रहें, बेवजह बाहर न निकले। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ओके न्यूज़।